ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। अंग्रेजों के अत्याचार सारा हिंदुस्तान तड़प रहा था। ऐसे में जमींदार और साहूकार अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर गरीब बेपत जनता का खून चूस रहे थे। संपूर्ण देश में त्राही त्राही मची थी। ऐसे में हिंदुस्तान के बीचों बीच प्रकृति की गोद में बसा वनांचल छोटा नागपुर के मुंडा लोग भी अछूते नहीं रहे। इसी गांव के थे शगुना मुंडा, बिरसा मुंडा के पिता। अरे बेटा संभल कर चलना, नंगे पैर में कहीं कांटा वाटा नहीं टूट जाए। अरे बेटा तुम गिर गए, उठो खड़े हो जाओ, अब मुझसे भी नहीं चला जाता। प्याल काश से चाय पास आ गए। सुनो मेरे बेटे, तुम जो कहोगे हम करेंगे। तुम्हारे लिए नई धोती भी ला कर देंगे। कर्मा के त्योहार में खूब नाचना। चलो अब हम घर वापस चलते हैं बेटा। नहीं बाबा, ओ देखो मैं तुम्हारे स्कूल सामने है। अच्छा तू कहता है तो चल दे।
डू यू वांट? क्या चाहिए आपको? फादर, हम लोग इतने गरीब हैं कि बच्चों को भात तक नहीं खिला सकते हैं। हम आपसे मिलने के लिए आए हैं फादर। हो तो जाओ, उस फादर से बात करो। अच्छा, चलो बेटा। यू डोंट वरी एट ऑल, तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। गो टू योर क्लास एंड डू स्टडी। यस, व्हाट डू यू वांट? फादर, हम लोग आदिवासी हैं। फादर, हम लोग इतने गरीब हैं कि चाल काट से चाय बासा तक साठ बिल चल के आ रहे हैं। हमारे इन बच्चों को भर्ती कर लीजिए ना साहब, भर्ती कर लीजिए ना साहब। बच्चे किसी कोने में पड़े पढ़ते रहेंगे बस। आई एम सॉरी, मैं इन बच्चों का एडमिशन नहीं करा सकता। आप लोग लौट जाइए। फादर, खूटी तमाड़ मुंडो सभी जगह के तो बच्चे पढ़ने आते हैं, यदि हमारे बच्चे भी पढ़ लेंगे तो। मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं एडमिशन नहीं करा सकता। नहीं, ऐसे मत कहिए फादर। फादर, हम लोग इतने गरीब हैं कि अपने बच्चों को भात तक नहीं खिला सकते। मेरे तीनों बच्चे किसी कोने में पड़े रहेंगे, पढ़ लेंगे फादर तो किसी लायक बन जाएंगे। I'm sorry. फादर, मैं बुर्जू जर्मन स्कूल में परीक्षा पास कर चुका हूँ, ये रहा प्रमाण पत्र। अगर तुमने पास कर लिया तो उसी स्कूल में जाके पढ़ो ना। फादर, चलो बेटा, अब तुम्हारे भाग्य में पढ़ाई लिखाई नहीं लिखी है। चलो रुक जाओ। सुनो, कल तुम्हारे इस बच्चे को लेकर मेरे पास आ जाओ। इस बच्चे का एडमिशन मैं करा दूंगा, डोंट वरी। समझो कि एडमिशन हो गया। बतरा हरी देखो पाका के बोल, मेरा समय झूला।
पता तो चला कि इसका नाम बिरसा है। बिरसा, कल तुम आओगे ना और हमें बंसुरी सुनाओगे ना? क्यों? तुम्हारी बंसुरी में गजब का जादू है। अरे चलो जाओ यहाँ से, क्या जरा सी बांसुरी बजाना सीख गए अपने आप को कृष्ण कन्हैया समझने लगे। अरे मैं कोई कृष्ण कृष्ण नहीं हूँ यार, मैं तो बस बांसुरी बजा रहा था, ये लोग आ गए। ओ तो आप समझा, ये गलती तेरी नहीं, ये गलती बांसुरी की है जिसके बजाने से वो लड़कियां यहाँ पर आई हैं। अब ला ये बांसुरी, मैं बजा कर देता हूँ। अमूल देख मेरी बांसुरी दे दे। नहीं ये बांसुरी मैं लूंगा। अरे मैंने कितनी बार कहा कि मैं बांसुरी के बगैर नहीं जी सकता। ओ तो अब ये बांसुरी हमारी दोस्ती से बड़ी हो गई। नहीं मैं ये बांसुरी लूंगा, मैं लूंगा। देखा, तोड़ दिया ना बांसुरी, दिखा दिया ना चाचू। अरे तू फिक्र क्यों करता है, तेरी दोस्ती के लिए तो ऐसी हजारों बांसुरियां कुर्बान है, मैं तेरे लिए एक नई बांसुरी ला दूंगा। बोल तो ऐसे रहा जैसे तेरी जेब में पैसे पड़े। हाँ हाँ है ना। ऐसे ये देख, ये चाराने मुझे वजीफे में मिले हैं और इस चाराने से हम एक नहीं बल्कि दो बांसुरियां खरीदेंगे। अब तो खुद तू मेरा सच्चा दोस्त है। हटने चलते हैं, हाँ तो चल ना वहाँ खा लेंगे। भात मिलेगी क्या? भात हाँ मिलेगा। अरे वाह बाबा, बहुत अच्छी थी। अरे ऐसी बात नहीं, एकदम ऐसे ही होना चाहिए। बिरसा, बिरसा मुझे नहीं पता। बिरसा तुम ही हो ना? हाँ यही है बिरसा, क्या है? बिरसा आबा, बिरसा आबा, आबा बिरसा। अरे क्यों जान खा रहा, जाओ यहाँ से। रुको, ये कोई मामूली मुंडा नहीं है, ये महान व्यक्ति बनेगा, महामानव जैसा कार्य करेगा, सरकार से इसकी नहीं पटेगी, परंतु इसमें युग पुरुष बनने की क्षमता है। ये महान व्यक्ति बनेगा, ये महान बन गया। महान तुझे भूख लगी है? हाँ तुझको बांसुरी खरीदनी है ना? तू चल, पहले मैं तुझे खाना खिलाता हूँ फिर ये बांसुरी दिलाता हूँ। चल 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 बन जा महान। अरे चलना मेरे साथ, बोलता हूँ तुझे। अम्मा
क्या तुमने जो भविष्यवाणी की वो सत्य है? बिल्कुल सत्य है धनी, ये महान व्यक्ति बनेगा, महान बनेगा। बुढ़िया की भविष्यवाणी सुनने के बाद बिरसा अपनी ही धुन में बांसुरी बजाता जा रहा था। उसे क्या पता था कि मुल्क की लड़ाई में मुंडा सरदारों के झुंड अपने हक के लिए अर्जी लेकर पहुंच रहे थे फादर नोट्रेट के पास। वेट वेट, आज फादर तुम लोगों से नहीं मिल सकते क्योंकि फादर एक जरूरी मीटिंग में है। अब आप लोग जा सकते हैं। What happened, my son? क्या बात? हाँ हाँ, हमें अपना अधिकार चाहिए। माई बाप, हम लोग अपनी एक फरियाद लेकर आए। माई बाप, हमारी फरियाद सुन लो। माई बाप, हमारी फरियाद सुन लो। कैसी फरियाद? माई बाप, हम आज तक जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं वो हमसे छीनी जा रही है। आजकल हमारे बाल बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज है माई बाप। छोटा नागपुर के काश्तकारी कानून में कहा गया है जो किसान जिस जमीन पर खेती कर रहा है वही उसका मालिक है माई बाप। फिर उस जमीन पर हमारा अधिकार क्यों नहीं है माई बाप? हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ यहाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? हाँ, हमारी जमीन हमें लौटा दी जाए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। इतना उतावलापन अच्छा नहीं है। एक बात बताओ माई चाइल्ड, तुम्हारे मुताबिक तुम्हारे गांव में वो जमीन जहां तुम खेतीबाड़ी करते थे या करते हो उसके एवज में कोई कागजात है तुम्हारे पास जो ये बता सके कि ये जमीन तुम्हारी है? है कोई कागजात? क्यों बोलो, सांप सुन गया? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि कागज तुम्हारे पास नहीं है। जिस चीज के कागजात तुम्हारे पास नहीं है वो चीज तुम्हारी कैसी है? जाओ जाओ जाओ। हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। हम भी इसी मिशनरी के हैं। अगर हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? क्या हुआ बच्चा, तुम इतने उदास क्यों हो? देख रहे हो ना अमूल, मुंडाओं की दशा कब नहीं जमीन से बाहर किए जा रहे हैं? कब होंगे मुंडा लोग सुखी? कब हमें हमारी जमीन वापस मिलेगी? लेकिन फादर ने तो कहा है ना कि मिशनरी के सारे मुंडाओं की जमीन वापस मिलेगी। कहने और करने में बहुत फर्क होता है अमूल। कैसे? देख रहा हूँ ना अपनी आंखों से अमूल। अब यहाँ मेरा मन नहीं लगता, सोचता हूँ गांव चला जाऊं। मुझे गांव की बहुत याद आ रही है अमूल।
गुड मॉर्निंग फादर। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाइल्ड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फादर। अरे हाउ आर यू फ्रेंड? फाइन। अरे तुम्हारा दोस्त बिरसा आजकल कहाँ गया हुआ है? बिरसा? बिरसा वो गांव चला गया। अरे वो तो आ रहा है। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग चाइल्ड। गुड मॉर्निंग। अरे बिरसा तुम आ गए? हाँ मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। और सुनाओ गांव में सब ठीक ठाक तो है ना? क्या ठीक है? कुछ भी तो ठीक नहीं। सरदार के साथ लड़ाई शुरू हो गई है। अकाल से लोग भूखों मर रहे हैं। ऊपर से सरकार के जुलूम वाला क्या ठीक? कुछ भी तो ठीक नहीं। फिर हमने मन का करब का बता। सरदार लोग कहते हैं कि मिशनरी और सरकार सब आपस में मिले। सब मुंडा लोग के दुश्मन। सब दुश्मन है मुंडा मुंडे। अमूल्य कहाँ है? देखा मैंने कहा था ना कि आते ही अमूल्य के बारे में पूछेगा। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? इसलिए हंस रहे हैं कि तू अमूल्य से इतना मिलता जुलता क्यों है? जानता है वो बाबू है, जीकू बनेगा। और आज तक कोई भी बाबू मुंडाओं का दोस्त नहीं रहा। किसने कहा? किसने कहा कि अमूल्य मेरा दुश्मन है? तुम लोग पढ़ना सीख लिखना सीख लेकिन रहे मुंडा से मुंडा ही। अरे अमूल्य मेरा दोस्त। अरे एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम लोगों को छोड़ सकता हूँ लेकिन अमूल्य को नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकता अमूल्य को। अरे यार बेटा तुम तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रहा था। आज से तुम जैसा कहोगे जो कहोगे वही होगा। क्यों भाई हो? जैसा कहेगा वही होगा। तुम लोग यही करो, मैं अभी फादर से मिलकर आता हूँ। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और ये बिरसा फादर के ऑफिस में क्यों गया? फादर ने उसको बुलाया है, हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। फादर ने? पता नहीं फादर ने बिरसा को क्यों बुलाया होगा। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे बिरसा फादर ने क्या कहा? कहे तो बहुत कुछ है। कहते थे कि मैं मुंडाओं को समझाऊं कि वो सरदारों के बहकावे में आकर मिशनरी को छोड़ करना चाहें। जो मिशनरी में पढ़ते हैं उन मुंडाओं को जमीन वापस दिलवा देंगे, लेकिन बाकी की मुंडाओं का क्या होगा? मुझे तो लगता है कि साहब और सरकार आपस में मिले हुए, साहब साहब एक टोपी, मुंडाओं और सरदारों के दुश्मन है। इसलिए मैंने आज से फैसला किया है कि मैं सरदारों का साथ दूंगा। शट अप। तुम लड़कों को मिशन के खिलाफ भड़का रहे हो। भड़का नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप सरदारों को बदमाश क्यों कहते हो? गुंडा क्यों कहते हो? बिरसा माइंड योर लैंग्वेज। सभी सरदार मिशन के खिलाफ हैं। हो सकते, जरूर हो सकते। वो मुंडाओं के हक के लिए लड़ते हैं, कैद हुए हैं, जाने दिए। वो सबके बाद कैसे हो सकते? नहीं 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 हो सकते। अब इस मिशन में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नाउ यू गेट आउट फ्रॉम हियर। हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहता। चलो। बिरसा मेरी बात तो सुनो। साहब साहब एक तो क्या 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 बात मिले हुए। अरे छोड़ बात तो सुनो बिरसा, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये साहब साहब सब एक टोपी, सब साथ में मिले हुए, मैं सब जानता हूँ। तुम क्या कह रहे हो साहब साहब एक टोपी, इसका मतलब तुम जानते हो? छोड़ मेरा हाथ। हाथ पकड़ने से हाथ तो छुड़ा लोगे। मैं तुम्हारा मित्र हूँ बिरसा, मेरी बात मान लो और मिशनरी वालों से माफी मांग लो। पढ़ लिख के जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो जो चाहो तुम मुंडाओं के लिए करना। हाथ छोड़ मेरा। लेकिन तुम जाओगे कहाँ? वही आनंद पार किया, वही मेरा सब कुछ, वही मेरा सब कुछ। फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और तुम्हारा भविष्य? मुंडाओं का भविष्य मुंडाओं की पढ़ाई लिखाई। मुंडा क्या बाबू है, मुंडा क्या दिकू है जो भविष्य की चिंता में पड़े पड़े यहाँ? हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़ मेरा। और अगर मैंने नहीं छोड़ा तो? जाओ मेरे दोस्त। और इस तरह बिरसा
जमींदार जगमोहन सिंह के मुंशी आनंद पान के संपर्क में आए। आनंद पान धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बिरसा को वैष्णव धर्म के विषय में आनंद पान से समुचित शिक्षा और ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दौरान बिरसा ने जनेऊ धारण करना, तुलसी पूजा, चंदन टीका एवं कुछ मंत्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया, जिससे वो आदिवासियों का कष्ट दूर कर सके। परंतु मन को शांति नहीं मिली। कभी मिशन में सिखाई बातें, कभी वैष्णव मत की बातें, सभी तो एक ही बात कहते हैं कि प्रभु एक है। मिशन वाले प्रभु यीशु कहते हैं तो आनंद पान ठाकुर बाबा। सत्य क्या है समझ में नहीं आता। बिरसा का शांत मन भटकता रहा, भटकता ही रहा। ऐसे में सरकार की तरफ से सुनो 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 गांववासी सुनो, सरकारी फरमान आए हैं और नवा कानून मध्य सरकार सब जमीन और वन अपन कब्जा में ले रहे हैं। गांववासी सुनो, सरकारी फरमान आए हैं कि जंगल के नवा कानून लागू जाए है और नवा कानून मध्य सरकार सब जमीन और वन अपन कब्जा में ले रहे हैं। आज से कोई भी वन में गाय छावी नहीं चढ़ापे, शिकार नहीं खेल पे, कोई भी काट पत्ता मजबूत से नहीं लापे। अगर कोई नवा कानून का तोड़े कर कोशिश करी उसके कड़ा से कड़ा सजा भोगे के पड़ी। सुनो 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 गांववासी सुनो। सुना भाई मैंने, ये जमीन सरकार का, ये बन जमीन का सरकार के बाप पे है के? अरे हमरे मन का खून पसीना से बना ही के और जनता सरकार का हमें मन कैसे ज्यादा करते हैं। हमरे अपने हुए कुछ करे की खातिर हमें एक होना ही पड़ेगा। परमी ठीक कह रही है, हम तो हर तरफ से कुछ ले जा रहे हैं। राजा जमींदार साहूकार हर अपने तरफ से खून चूस रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही बात है, सही सही कह रहे हैं। खेतों पर खून पसीना बहाकर हम अनाज उगाए हैं और वो अनाज ले जा बीकू, ये कहाँ का न्याय है? अरे ये ही नहीं, जमींदार को घोड़ा चाहिए, जमींदार को घोड़ा चाहिए तो दंड चुकाए हम। जमींदार के यहाँ कोई मर जाए तो उसका लगान भरे हम, और जमींदार के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो तो उसका भी खर्चा उठाए हम। और तो और, अरे हम मुंडा लोगों को जन्म से लेके कर्ज में ही डूबना पड़ता है। और ये राजा महाराजा साहूकार ये कहीं भी कोर्ट जाए कचहरी जाए इनको हमें लगान देना ही पड़ता है। इस तरह कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, इसका एक ही इलाज है, ये मुट्ठी। और जब तक ये मुट्ठी खुली हुई है तब तक कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब ये उंगलियाँ एक साथ बंद हो जाएंगी तब ये मुट्ठी बन जाती है, और ये मुट्ठी हमारी ताकत है। और वो देखो। वाह वाह, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। ये रही अर्जी। देखता नहीं कि हम स्पेशल मीटिंग में बैठा हुआ है। तो क्या हुआ, कानून सबके लिए बराबर होता है। ए, तुम्हें मालूम नहीं छोरे, तुम किससे बातें कर रहे हो? नादान है, नादान है। क्यों? क्योंकि ये हम कह रहे हैं ये जमीन पे हमारा कब्जा है, वो जमीन हमारी है। क्यों फरिश्ता साहब? नो, हम तुम्हारा एप्लीकेशन देख लेगा। नाउ यू कैन गेट आउट। जाता हूँ। देखो पंडित, ये व्यवहार की बात है। साहब खुश तो मैं खुश,
मैं खुश तो तुम खुश, अब फैसला तुम्हें करना है। देखो साहूकार, अगर आपकी कही हुई बात बिल्कुल सच है तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। जरूर सोचना, जरूर सोचना, जरूर सोचना। बिल्ली रास्ता काट गई। अरे पंडित जी, आज तो बहुत थक गया, बहुत जोर की भूख लगी। अरे भौजी, अरे भौजी, भौजी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे पंडित जी, अगर वो मेरे बारे में पूछे तो उससे कहना मैं उससे बात नहीं करना चाहता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कोई मेरी बात क्यों नहीं रहा है? जय, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो खाना उन्हीं से मांगो जिनके पास अर्जी लेकर गए थे। ओहो, अब समझा। समझ गए ना? तो फिर फौरन इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। क्यों? सरकार को अर्जी लिखते हो, मुंडा सरदारों की बातें मानते हो, उनकी बातों में आते हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ रखूंगा तो जमींदार मुझसे नाराज नहीं हो जाएंगे। मैं उसका नौकर हूँ, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मुझे जमींदार की नौकरी करनी पड़ती है। ठीक है, चला जाता हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बात पूछूं? पूछो। अगर मैं मुंडा ना होता तो क्या फिर भी तुम मुझे भगा देते? क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक मुंडा लोग बिल्कुलों के गुलाम रहे तब सब कुछ ठीक था। आज उन्होंने अपने हक की आवाज उठाई तो वे उनके दुश्मन हो गए, और मैं उनके हक के लिए अगर उनकी अर्जी लेकर जाता हूँ तो कौन सा बुरा किया? आखिर मैं भी मुंडा हूँ। मुझसे बेकार की बहस मत करो और जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनी, ऐसा मत कहिए। तुम बीच में मत बोलो शारदा। हाँ हाँ, ये मेरी भौजी चुप रही और मैं चला जाऊंगा ना यहाँ से। बेवकूफ हूँ ना मैं, जानवर हूँ ना मैं, इसीलिए आपकी यहाँ शिक्षा लेते हुए जानवर चलाए लकड़िया पाली। चला जाऊंगा मैं, जानवर हूँ ना मैं, जानवर हूँ ना मैं, जानवर भौजी चला जाऊंगा ना, मुझे नहीं रहना। मेरे यहाँ इस समय खाना पानी नमक लिखा हुआ था, माफ करना। जा रहा हूँ पंडित जी, मैं जा रहा हूँ पंडित जी, मैं जा रहा हूँ पंडित जी, मैं जा रहा हूँ। अरे कुछ तो बोलो पंडित जी, इतना हाथ बोलो। अरे जाते जाते तो हंसो, कहते हैं विदाई के वक्त मुस्कुराते हुए देखते। मैंने कोई गलती नहीं की है पंडित जी, मैंने कोई गलती नहीं की है। Yeah.
भुखमरी का दौर चालू था।
वो नहीं देख सका लोगों को भूख से मरते हुए। याद आई झाड़ फूक करने वाले हर मुंह मुंडा की बातें। भूख मौत है, मौत की तरह किसी को नहीं छोड़ती। भूख से लड़ाई जारी थी। याद आया ऐसे वक्त में लोगों को भूख से बचाया जा सकता है, और बिरसा पहुंच गया लोगों को बचाने। क्या कर रहा है तू? तुझे गूंगा का श्राप लगेगा। कौन? तुझे गूंगा का श्राप लगेगा। श्राप? नहीं नहीं नहीं, गूंगा की पीड़ा भूख की पीड़ा से ज्यादा पीड़ादायक नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। चाल की आत्मा कुछ बदला लेगी, नहीं होता। अब लगेगा पास? नहीं, सब गलत है। पेट की आग बुझाना कोई पाप नहीं है। भूखे रहने से बड़ा कोई पाप होता है क्या? भूख की आग सब कुछ तुच्छ है, सब कुछ तुच्छ है। बोंगा बोंगी का श्राप भी तुच्छ है। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मुझे अब तक काम करने दो। जाओ, ये पाप लगेगा। जाओ तुम, इससे मैं सबके लिए चावल खरीदूंगा। नदी किनारे गई, बिरसा बांसुरी बजा रहा था। सुनकर राधा वहीं बैठी रही। कितनी देर उसकी बांसुरी सुनती रही, तू भी सुनेगी तो वहीं बैठी रह जाएगी। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। हाँ ठीक है, ध्यान से जाना। माँ जी। अरे परमी, आप पानी भरने जा रही हैं? अरे तू कैसी है, कब आई तू? मैं बस अभी आ रही हूँ। अच्छा ठीक तो है ना? ठीक है। अरे ठंडिया रख तू। अरे अरे माँ जी, मैं रख रही हूँ। बुढ़ापे में तो शरीर भी साथ नहीं देता। परमी परमी तू यहाँ? मैं सारा गांव छान मारा, तुम्हारी माँ वहाँ बुला रही है। जाओ जाओ। तुमको भी अभी आना था, कितनी अच्छी बातें कर रही थी काकी से, है ना काकी? जाओ पहले माँ ढूंढ रही है, पहले माँ से बात करो। जा बेटे जा। पाए लगी चाचा। ये ले माँ, जल्दी से भात रांध दे, बहुत जोर की भूख लगी। भूख क्या मन एक हाथ में सटा जा रहा है, जल्दी बना दे। ये लाया कहाँ से? मैं बाद में बताऊंगा, तू ऐसा कर जल्दी से भात रांध दे, बहुत जोर की भूख लगी, तब तक मैं हाथ में धो लेता हूँ। हाँ बावला कहाँ का, इससे किसी की भूख देखी नहीं जाती। अच्छा वारी किस्मत कि नरसिंह मुंडा ने अपनी आंखों देखी बात गांव वालों को बता दी। लाश उखाड़कर अंगूठी निकालने वाली बात, काना फूसी में आवाज आई, क्यों क्यों? हर कोई बिरसा से सवाल कर रहा था, क्यों? अरे बिरसा की माँ, कपार में जो लिखा होगा वो तो भुगतना ही पड़ेगा। मेरा बेटा होके मैं उसे नहीं समझ सका, ये तो होना ही था। फिर भी सभी का सवाल था, क्यों? चीख कर बिरसा ने कहा, हाँ हाँ, मैं लोगों को भूखा नहीं देख सकता, इसलिए पैसे निकाल लाया। बोलता हुआ बिरसा किसी की परवाह किए बिना दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। रास्ते का ध्यान न कांटों का, सांप बिच्छू का डर भी नहीं। सर लोगों का पागलों की तरह जंगल वहां से सवाल करता रहा। आ,
ये तो कहाँ गया होगा दिलका? चलो चलकर ढूंढते हैं, चलो। माँ, ये जंगल माँ, मैं क्या करूँ माँ? माँ, मैं क्या करूँ माँ? मैं क्या करूँ, क्या करूँ माँ? हे जंगल माँ, माँ मैं क्या करूँ माँ? कोई रास्ता दिखाओ माँ, माँ, माँ कोई रास्ता दिखाओ माँ। जंगल माँ, पर तू मुझे दिखाई क्यों नहीं देती माँ? मैं तुम्हारी शक्ति हूँ बेटा, मन की आंखों से देखो। हाँ माँ, मैं तुझे देख सकता हूँ माँ। हाँ माँ, देख सकता हूँ। तेरी माँ की लाश खतरे में है बेटा, उसे बचा लो। मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा माँ, सब कुछ करूँगा। इसके लिए तुम्हें बहुत कष्ट सहना होगा बेटा। सब सहूंगा माँ, मैं ऐसे के लिए सारे कष्ट सहूंगा। तुम्हें धरती का आपा बनना पड़ेगा बेटा। बनूंगा माँ, मैं तेरे लिए वो भी बनूंगा माँ, बनूंगा। मुंडाओं के उत्थान के लिए और धरती की लाश बचाने के लिए तुम्हें मरना भी पड़ सकता है बेटा। भगवान यीशु को भी सूली पर चढ़ना पड़ा था माँ। मुझे मुझे माँ, माँ कह गई माँ, माँ 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 नी आई कोनो बड़ा बात बोले के नी आयो हो, मऊ तो के मन के कोनो भरम में नी रखे चाहत हो, मऊ तो के मन के बता देवे के चाहत हो कि मऊ तो के मन के कोहरा के सुख नी देवे पाते, कोहरा के सुख नी देवे पाते, नहीं झूला के सुख देवे पाते। मऊ तो के ई बतावे के चाहत हो, और मऊ तो के बोंगा बोंगी से भी नी डराबो। मो तो ई कहबो कि बोंगा बोंगी से डरे के बदले दीपू और साहब सरकार के डर आपन मन से निकाल दे। अरे अगर कुछ करे के हो तो दीपू और साहब सरकार के खत्म करा। जरूरत पड़े मरे के तो मौत जाओ, आपन हक अस्पताल के लेवे के छोड़ा। अरे लेवे के हो तो आपन हक छीन के लो। एक बात और, ये के हमरा के संग रहे के है ओके कुछ नियम और कानून माने के पड़ी। सबसे पहले दारू के हंडिया छोड़े के पड़ी, मांस के केव हाथ न लगाई, ना ही कोनो बलि चढ़ाई, ना ही कोनो बोंगा बोई के पूजा करी। उस सब के एक बात और माने के पड़ी, आज से कोनो जमींदार के लगान ना ही देई, ना ही कोनो ठेकेदार के बेगारी करी। लेकिन अबा ठेकेदार के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे, बैठ बेकारी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अबा हम फसल नहीं उगाएंगे तो खाएंगे क्या? अरे हमके दीपू और साहब सरकार से सहयोग करे के है। अरे ठेकेदार के दिन भर बेगारी करे के बाद हम के काम ले ला मुठी भर अनाज
नहीं चाहिए हम देश भी। अरे जिए के खातिर रह के पड़ी तो हम घाटों खा के दिया, लेकिन उनका गुलामी नहीं करा, नहीं करा। अबुआ किशोर, अबुआ राय, अबुआ किशोर। कटई गांव में हैजा का प्रकोप से आबा कितने लोग लोग मर चुके हैं आबा, उनसे लाश उठाना कोई भी नहीं है। बोंगा बोंगी के प्रकोप से बचाओ आबा। बोंगा बोंगी का प्रकोप, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। ये सब आज तक तुम लोगों ने अपने मन में गांठ बांध रखी है ना, उसी का नतीजा है। ये गांठ खोल दो तब ठीक हो जाएगा। तुम लोग चलो, मैं इन सबको अपने साथ लेकर कटई गाँव आता हूँ। बिरसावा की जय, बिरसावा की जय, बिरसावा की जय। बांधो, पाताल बांधो, पृथ्वी बांधो, उत्तर बांधो, दक्षिण बांधो, ये गांव में बाढ़ आ जाए, बोंगा के तू लोग बलि नहीं दे लो। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? तुम लोग को कहते थे ना कि बिरसा की बात मत सुनो, लेकिन तुम लोग सुनोगे ना, तुम्हारे लिए तो बिरसा है, बिरसा है, बिरसा है। माफ कर दे बाबा, मुझसे गलती हो गई। पागल आए हो? नहीं, बिना मजा के ठीक होगा तुम्हारा बच्चा? कर दो बाबा, बिना मजा के ठीक नहीं हो सकता। नहीं मानेंगे। ठीक है, आज तुम्हारे बच्चे को ठीक कर देते हैं, लेकिन कल मुर्गा जरूर लाना। देखो बाबा, ये देखो, आओ बाबा देखो। निकल लिया। अगर तुम लोग अंधविश्वास की दुनिया से बाहर नहीं निकले तो एक दिन वो भी आएगा जब पूरा गांव हैजे की चपेट में आ जाएगा। अरे पशु पक्षी की बलि देने से किसी की जान बचती तो दुनिया में लोग इलाज नहीं करवाते। अभी भी वक्त खत्म नहीं हुआ है। इस भुलावे की दुनिया से, अंधविश्वास की दुनिया से बाहर निकलो, हकीकत की दुनिया में आओ। जागो तुम लोग, तभी तुम लोगों का भला, तभी तुम लोगों का भला। आबाकी जय बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जय बोलने से। अगर कुछ करना ही है तो आज कसम खाओ कि आज से तुम लोग पशु पक्षी की बलि नहीं दोगे। कोई मांस नहीं खाएगा, कोई मांस नहीं खाएगा। नजरें झुका कर नहीं, नजरें उठा कर देखो हरमी होगा। तुम्हारे इस अंधविश्वास की लगाई हुई आग ने गांव के कितने घरों को बर्बाद कर दिया है। अब तो चाकू, अब तो लोगों को बताओ कि हकीकत क्या है। बताओ हरमी ओझा, बताओ हकीकत क्या है। मुझे माफ कर दो बिरसावा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। आबा की जय, बिरसावा की जय। खातिर भगवान बना ले जन्म पाली रे, ए बिरसा किस रात में रोरे तो सान बना ले। नागपुर खातिर भगवान बना ले।
कर धरती रोरे गुनगाए, दुखी बेसहारा कर जान बना ले, हम जन्म पाली रे हे बिरदा, किस नाच ने रोरे तो धन बना ले, कन्ना ठुकुर खातिर भगवान बना ले। तुम में से बिरसा मुंडा कौन है? मैं हूँ बिरसा। तुम कौन हो? मैं जमींदार जगमोहन का भाई मनमोहन हूँ। तू है बिच्चे भर का छोकरा जिसके बकाव में नगान देना बंद कर दिया। छोकरे, तूने कभी सोचा है तेरी इस हरकत का क्या अंजाम होगा? अंजाम? अंजाम से वो डरते हैं जिन्हें कुछ खोने का डर होता है। तुम लोगों ने तो पहले ही मुंडा लोगों का सब कुछ लूट लिया है, लूट कर खोखला कर दिया है। अब इससे बुरा अंजाम क्या होगा? और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर मुंडा लोगों को अब उनकी जमीन और जंगल का हक अपने हाथ में ही दिया ना, तो हम छीन लेंगे। बहुत बोलता है रे, ए गांव वालों, इस बच्चे के बहकाव में मत आओ। तुम लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारते हो? पहले के जैसे ही लगान देना फिर से शुरू कर दो। ए देखो, चुपचाप यहाँ से चला जा, अब तेरी चालबाजी चलने वाली नहीं है। मुंडा अब समझदार हो गए हैं और मुंडा लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पत्थर से। ओ ये बात है, सिखा दो सबक। अब यहाँ से खिसक लो, जान बचा के भाग लो। फैसला होके रहेगा, साहूकार आज तो हम मार खाते खाते रह गए, ठाकुर साहब आवे तो वही कोई फैसला करेंगे। बड़ी मुसीबत कर दी है। चेहरे से तो परेशान लग रहे हो तुम दोनों, दूसरों को मुसीबत में डालने वाले आज खुद ही मुसीबत में घिर गए, क्या बात है? कुछ नहीं कुछ नहीं, जमींदार साहब कहाँ है? कहाँ है जमींदार साहब? साहब कहाँ है? कहाँ है जमींदार साहब? यहाँ नजरे झुका कर नहीं, नजरे उठा कर देखो महाजन। क्या बात है? राम राम जमींदार साहब। बात क्या है? आपने तो अपनी आंखों से देखा है उसे, वो पर चढ़कर जंगल ऑफिस में बात कर रहा था। ये किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? वही मुंडा छोकरा, बिरसा मुंडा। हुजूर, पता नहीं उस छोकरे ने क्या जादू कर दिया है, सारे मुंडा लोग उसी के सुर में गाना गाने लगे। ठीक कह रहा है ये, आजकल कोई सूद पर रुपया पैसा लेने भी नहीं आता है। ये क्या किया है? साले भूत चढ़ गया तेरे पे। कर दो माले, भूत चढ़ गया तेरे पे। कर दो माले, 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 कर दो माले, 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 साहब, ये छोकरा बिरसा मुंडा को देखने गया था। साला, नमक खाता है हमारा और नाम जपता तो गौड़ी के छोकरे का। महाराज जय श्री कृष्ण। अरे मार क्यों रहे गरीब को? अरे दरोगा जी, आप तो जानते हो मिलातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक साले को कौन नहीं पड़ते, लोगों के इनके होश ठिकाने नहीं आते। मेरी जान ले लो मालिक, पर मेरे आबा के बारे में कुछ मत कहो। आबा लगा मालिक, लगा साले को मालिक।
अभी अभी खबर आई है कि पानी की गाड़ी का बैल बैठ गया। बैल बैठ गया। चलिए दरोगा जी, बैल बैठ गया तो साला ये किस दिन काम आएगा? जगाओ साले को, खेत में खेत तो साले को जगाओ, साले की यही सजा है। मालिक एक खबर और आई है, करिंदे वापस लौट आए हैं, कह रहे हैं कि मुंडा लोगों ने लगान देना बंद कर दिया है, अब हमारा हिसाब किताब कैसे होगा? देख लिया ना हुजूर, ये काम बिरसा मुंडा का ही काम है। बिरसा, बिरसा, मैं तो परेशान हो गया उस बिरसा से, अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जाकर देखता हूँ उसे चाल काट गाँव में कि उसके लोग कैसे लगान नहीं देते हैं। हुजूर, हम लोग कल मार खाते खाते रह गए। बिल्कुल सही हुजूर, जान बची तो लाखों पाए, और ये सब बिरसा मुंडा के कारण हुआ। बिरसा मुंडा इज द ब्लैक आयरन मैन, वो काला आदमी अपने आप को भगवान बोलता है। ब्लैक आयरन मैन? यस, उसकी हर बात मानते हैं। वो से बोला तो इन लोगों ने खेती करना बंद कर दिया, खेत खलिहान खाली पड़े हैं। बिरसा मुंडा अगर बोले तो ये लोग अपनी जान तक देने को तैयार हैं। वो न सिर्फ अपने खेत में खेती नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी जमींदार के भी काम नहीं कर रहे हैं, न किसी महाजन से कर्ज ले रहे हैं, वो सिर्फ भूखे मरने को तैयार हैं। बिरसा मुंडा को भगवान मान रहा है। उस दिन जमींदार के आदमी उनको समझाने को गया तो उन्होंने मार मार के उनका कमर छोड़ दिया। बोलो ना, तुम लोग क्या खड़ा सुन रहे हैं? हाँ हुजूर, हुजूर ठीक कह रहे हैं, वो लोग बिरसा मुंडा के कहने पर लगान भी नहीं दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब हो सकता है। सिचुएशन तो ऑलरेडी खराब हो चुका है साहब, अभी तो उसे अंदर कंट्रोल लाना होगा। लेटर सा मिशनरी हॉस्पिटल से बिशप का लेटर आया है, लिखा है मुंडा लोग एक नाम से जुड़ गया है, बिरसा। ये वही बिरसा है जो हमारे पास से जो कुछ सीखा वही कहानियां सुनाकर मुंडाओं को बहका रहा है, और मुंडा लोग उसकी बातों में आ रहे हैं। इस तरह हम उनका इलाज करता था, अभी ये उनका इलाज करता है, ये उनको एजुकेशन देता है, लोग उसकी तरफ मुड़ रहा है और छोड़ रहा है। ये बहुत डेंजरस बात है, इसीलिए बिशप ने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि इस बिरसा मुंडा का कोई ना कोई इलाज निकालना होगा, नहीं तो ब्रिटिश अंपायर को बहुत तकलीफ होगा। इस लड़का को सुनने के बाद हमें और भी चौकन्ना होना पड़ेगा। अगर इस आग को फौरन नहीं बुझाया गया तो पूरा नागपुर में आग ही आग होगा। फायर, जस्ट फायर एंड फायर, नो एक्सक्यूज। आई वांट बिरसा, बट उसे बहुत चालाकी से पकड़ना हो। समझे बिरसा, भागो। क्या है, क्यों उत्पात मचा रहे हैं? यही है तुम्हारी बहादुरी? गरीब लोगों पर जुम धाकर उन पर राज करना चाहते? वही है मेरा बेटा बिरसा, क्या बात है? यही है वो बिरसा जिसे हम गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार करने का सबब बताओ, क्यों गिरफ्तार करना चाहते हो मुझे? तुम मुंडा लोगों को भड़काते हो। मैं तुम भड़काऊंगा मुंडाओं को? तो वो लगान क्यों नहीं देते हैं? उनसे पूछो, सरकार ने तुम्हें पकड़ने के लिए कहा है तो ये रुकावट क्यों डाल रहे हैं? ये भी जाकर तुम उनसे ही पूछो। तुम सरकार के दुश्मन हो? हाँ, मैं दुश्मन हूँ सरकार, जो मुंडाओं से दुश्मनी करती है। ये सरकार मुंडाओं को जंगल से भगाती है, ये जमींदार अंधे के कानून का डर दिखाकर उन्हें डराता है। अब तुम प्रचारक बन गए हो ना, अब तुम मुंडा नहीं है, इसीलिए तुम्हें मुंडाओं के दिल का दर्द नहीं दिखाई देता। आज से तुम भी कुछ हो, कैसे प्रचारक हो पुलुष साहब, कैसे मुंडा हो? अरे मिशन में मुंडाओं को तू के सिवा तुम नहीं कहा जाता ना? अरे सरकार, सरकार हमें क्यों नौकरी देगी? चाहे मुंडा कितना भी पंडित जाए वो हमें नौकरी नहीं देगी। लेकिन ये जान लेने से कि वो बिकू है, सरकार उसे नौकरी देती है। क्यों?
क्योंकि जमीन जायदाद सब तो उनका कब्जा है, तो उन्हें नौकरी देती। लेकिन तुम एक मुंडा हो और मैं भी एक मुंडा हूँ, और एक मुंडा होकर दूसरे मुंडे को क्यों पकड़वाना चाहते हो तुम? क्यों बिरसा, तुमने बात को बहुत बढ़ा दिया है। तुम्हें सरकार से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। सरकार क्या करेगी तुम्हारी सरकार? गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करके रख न सकेगी, मारेगी मुझे, मार न सकेगी। अरे जब तक एक भी मुंडा धान का एक पौधा उगाएगा, उस पौधे में मैं रहूंगा। मुंडा एक घर बसाएगा, उस घर में मैं बसूंगा। जब तक मुंडाओं के सीने में सांस चलती रहेगी, उनके सीने में मैं धड़कता रहूंगा। पुलिस साहब, मेरा विनाश नहीं होगा, नहीं होगा मेरा विनाश। तुम्हारा जो ये मुंडा जाति के प्रति प्रेम और आदर है, इसे देखकर मैं शर्मिंदा हूँ। मुंडा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बिरसा। पकड़ लो सबको। उसे बहुत चालाकी से पकड़ना होगा। आई वांट बिरसा इन जेल, जेल में। हेलो, निकलो बाहर, निकलो, निकलो सब तरफ से। क्या समझ रहे हैं आपको? अंग्रेजों की चाल रंग लाई, जिन सिपाहियों की बिरसा के सामने आवाज तक नहीं खुलती थी, आज वही सिपाही चालाकी से बिरसा को पकड़ने पहुंच गए। हथियारों से लैस बिरसा के हाथ रस्सियों से बांध दिए गए और उसे खींचते हुए बाहर ले आए। नहीं ले जा सकते हो, ले जाने के लिए तुम लोगों को हमारी लाखों को बरसों गुजरना पड़ेगा। धानी, ये सब उसका खेल, हमें खेलना ही होगा। मुझे जाने दो, मैं फिर वापस आऊंगा। मुझे हिंसा नहीं, अहिंसा चाहिए। मैं फिर वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा धानी। इसलिए मेरा आदेश है, मुझे शांति से जाने दो। दिल तो नहीं चाहता मेरे आबा, लेकिन आपके आदेश का मैं उल्लंघन भी तो नहीं कर सकता हूँ, अन्यथा मैं इनके सर काट कर यहीं पेड़ पर टांग देता मेरे आबा। आपके आदेश का आबा पालन होगा। जाओ मेरे आबा, जाओ। Come on, let's move again. और इस तरह मुंडाओं में अपने आबा के साथ जेल जाने के लिए गिरफ्तारी देने की होड़ लग गई। पुलिस के कोड़े भी उन्हें अपने इरादे से हिला नहीं सके। रांची से फौज आ गई,
बिरसा को रांची ले जाया गया। रांची में मुंडारी जानने वाले डिप्टी बाबू काली कृष्ण मुखर्जी की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। कसूर मानकर परी कर दिया। अपने फैसले में उन्होंने लिखा कि मुंडा लोगों का उपद्रव फैलाने का कोई इरादा नहीं था, परंतु प्रशासनिक अधिकारियों ने बात को ठीक तरह से समझा नहीं। इस तरह मुंडाओं पर लगाए गए सारे अभियोग निराधार साबित हुए। डिप्टी कमिश्नर ने अपने प्रभाव से काली बाबू के फैसले को रद्द कर दिया और मुकदमा रांची से। सुनो बस्ती वालों, सुनो, बाहर आओ, सब बाहर आओ, अपने अपने घरों से बाहर आओ, अपने घर से बाहर आओ, से आओ। सुनो, क्या बात है? अरे खबर मिली है, हमारे आबा साहब को रांची से खूंटी भेज दिया गया है और वहीं ऊपर आगे मुकदमा चलेगा। लेकिन कब? इस महीने के 24 तारीख को, जब सरकार उन्हें मुकदमे के लिए अदालत में ले जाएगी। ठीक है, हम सब को खबर कर देंगे, उसके बाद हम सब आबा को देखने खुद ही जाएंगे। इंडियन फॉर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट। ये सारे गवाहों और सबूतों को जानने के बाद ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये बिरसा मुंडा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मुंडाओं को भड़काने का अपराध किया है। ही इज गिल्टी। इसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इन लोगों को भड़काकर विद्रोह करने का कोशिश किया है और ये लोग भी जिम्मेदार है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने की। इसीलिए अब ये अदालत बिरसा मुंडा को 2 साल की कैद और 20 रुपए जुर्माना की सजा सुनाती है। जुर्माना न भरने पर 6 महीना और कैद होगी और हर मुंडा जिसने इस विद्रोह में भाग लिया उसको भी 20 रुपए जुर्माना देना होगा, वरना 6 महीना जेल में रहना होगा। बिरसा, सुना मत मुझे। क्यों? इसलिए दीकू बने, बता सकते हो? अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, पालकी चढ़ोगे, राज करोगे? तुम गलत समझ रहे हो बिरसा। मैं कुछ नहीं समझना चाहता, ना ही कुछ सुनना चाहता हूँ तुमसे। ओ सुनो अमूल्य, मैं अब वो बिरसा नहीं रहा जिसे तुम जानते थे और ना ही तुम वो अमूल्य रहे जो कभी मेरा दोस्त हुआ करता था। नहीं बिरसा, आज भी तुम मेरे लिए वही बिरसा हो और आज भी मैं तुम्हारे लिए वही अमूल्य हूँ। मुझ पर एक उपकार करोगे? उपकार? दोस्ती में कैसा उपकार? अरे भाई ये तो तुम्हारा अधिकार है। बोलो, सरकार ने क्या क्या इंतजाम किए मुझे मारने के लिए, बता सकते हो? मैं जानता हूँ सरकार मुझसे डर गई है, मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रचेगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें सरकार की हर एक खबर देता रहूंगा। अब तो मुस्करा दो मेरे दोस्त और अपने इस दोस्त को गले लगा लो। आना, अच्छा अच्छा छोड़ दो, वरना किसी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। छोड़ दिया, लेकिन ध्यान रहे दोस्ती का वादा है। ना ही सिर्फ सरकार की खबर मुझे देना बल्कि मुंडाओं की भी जानकारी मुझे देना। जब से उनके पास से आया मेरी राहत देखते हैं। पक्का वादा? मैं वादा करता हूँ दोस्त, अपना ख्याल रखना।
देखता हूं कब तक तुम वादा निभाती। पता नहीं मेरे गांव शाहकार का क्या हुआ होगा। अरे 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 बापी क्या कदर होगा। अंदर बाहर निकलो। रुक जाओ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे पक्का यकीन है वो इधर ही आया है। तुम दोनों जाके तलाशी लो। अरे कल मुहो हुजूर यहाँ तो कोई नहीं है। जो मैं तुझसे पूछूं सच सच बताना। गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होगा। ये बताओ धानी इधर आया था उसके साथ कितने लोग थे। मुझे क्या पता कितने लोग थे। मुझे कुछ नहीं पता। अंधेरे में कुछ दिखाई देता है क्या। जेल तोड़ के भागे वो लोग बिरसा के कहने पर। पक्के बिरसाइत हो गए हैं वो लोग। मुझे क्या पता वो बिरसाइत हो गया है। उसकी कभी वो जाने। इसका मतलब तुम्हें नहीं मालूम कि धानी मुंडा किधर गया है। सरकार ने उसके ऊपर पूरे 25 रुपए इनाम रखे। पूरे 25 रुपए। अरे मालूम होता तो बता नहीं देती। अरे 25 रुपए तो क्या 25 पैसे भी देते तो बहुत थे। और वो धानी धानी मुझे मिल जाए तो उसे पाँव तोड़ दूंगी मैं। बड़ा बिरसाइत बनने वाला। तुझे बिरसाइत लोगों पर इतना गुस्सा। तेरा मर्द भी तो बिरसाइत बन गया है। अरे साहब उसी के कर्मों की सजा तो भुगत रही हूँ मैं। सारा धान बिरसाइतों को खिला दिया। पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए। बदन में लगाने के लिए हल्दी चाहिए। और देखो ना एक बच्चा गोद में एक मेरे पेट में। हाँ और इस बुढ़ापे में खुद विशाइट बनकर चला गया जहर। अब तुम ही बताओ मैं उसके कर्म की सजा भुगत रही हूँ कि नहीं। सरकार से पूरे 25 रुपए दिला दी। अरे हुजूर ये काली मां बन गई है। हुजूर इसको नीचे देखो पीछे करो। मुझे बहुत डर लगता है। सुनो वो दोनों तो चले गए। अब इस रात में हमें अकेले बहुत डर लगता है। हम पर एक दया करो। आज रात हम यही कहीं कोने में सो लेने दो। सुबह भी हम चले जाएंगे। लेकिन दरोगा साहब तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लगती। मेरी नीयत तो ठीक है। फिर भी रात बहुत हो गई है। हाँ वो तो है। जाकर उस गोशाला में सो जाओ। अच्छा तुम्हारा धन्यवाद। तो कहा हुआ तुमको। अरे क्या हो रहा है। अरे इस तरह कहाँ से हो रहा है। लगता है आने वाला है। पड़ोस के गाँव में मानी पहाड़ी रहती है। मुझे बुला कर लिया वो सब ठीक कर देगी। रुको 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 हमें नहीं जानते। नहीं नहीं अरे आप चुपचाप जाके गांव से मानी पानी को बुला रही हूँ। वरना आप सुना है वहाँ के गांव वाले बहुत खतरनाक हैं। अरे बिरसा के कारण सिपाहियों ने सबको खदेड़ दिया और मुंडाओं को जेल में बंदी कर दिया। आपको नहीं पता। और जो बचे हैं वो जानवर बन गए सिपाहियों से चिढ़े हुए। अरे बापू आपको नहीं पता सिपाहियों से चिढ़े। हाँ जेल में जेल में आज सुबह देखते पड़ गए। तुम ऐसा करो ना उनका नाम पानी वानी है ना। मानी पानी हम पानी वानी को खिला लो। हम जल से नहीं नहीं रुके रुके नहीं रुक सकते। हम बहुत मुसीबत में फंस गए। रुके दरोगा जी। अरे सही अब अरे बावली तुम्हें नहीं पता। अरे
बिरसा रिहाई के बाद तुरंत सभा बुलाने वाला है और वहाँ पे सबको चंदन का टीका लगाने वाला है। मस्तक टीका, मस्तक टीका, मस्तक टीका, तुम्हें नहीं पता? अरे बिरसा अपने हाथों से लोगों को चंदन का टीका लगाने वाला है। तो मैं भी चलूंगी। दो बरस हो गए आबा को देखेंगे। दो साल जेल में रहकर मैं जेल में बैठे बैठे यही सोचता रहा कि मैं तुम लोगों को राह दिखाऊं। अब मुझे राह मिल गई, अब मुझे राह मिल गई है। इस राह पर चलने से शरीर रहेगा या चला जाए ये सोचने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये लड़ाई सबके साथ है। ये लड़ाई मुंडा लोग पहली बार लड़ रहे हैं। ये लड़ाई जीतियों के साथ है। ये लड़ाई चरका सरकार के साथ है। और इस लड़ाई में उन दुश्मनों के पास बंदूकें हैं और हमारे सीने में है हौसला। हौसला लेकिन अबा, हम लोग चरका सरकार के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं? धीरज रखो, धीरज रखो। हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। एक ऐसे मुंडा राज की स्थापना करेंगे जिसमें धर्म कर्म का राज होगा। ये गांव, ये धरती हम सबकी, सब मिलकर खेती करेंगे। कोई अकेला मालिक नहीं होगा। ध्यान रहे, कोई अकेला मालिक नहीं होगा। इस राज्य में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कोई हथियार नहीं उठाएगा, कोई लाठी नहीं चलाएगा। और इस सब के लिए जरूरत है इस धरती से दुश्मनों को खदेड़ कर भगाना होगा। भगाना होगा उन्हें हमें। हाँ, लड़ेंगे। और एक बात और, स्वाधीनता को हमें पाना होगा। खत्म करना होगा पराधीनता को। बगैर स्वाधीन हुए किसी भी मुंडा के चेहरे पर खुशी की किरण नहीं नजर आएगी। इसके लिए तुम सबको लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। तैयार रहना लड़ाई के लिए। और इस लड़ाई का नाम होगा उल गुलान। लेकिन तुम लोग आंखें मूंद कर इस उल गुलान में कूदो ये मेरी इच्छा नहीं है। हमारे सामने विरोध के दो ही रास्ते। पहला रास्ता है शांति का और दूसरा लड़ाई का। आबा, शांति के राहों पे चलकर ना अब तक मुंडाओं का भला हुआ है और ना होगा। मुझे कहने दो, हम शांति के रास्ते से अगर चले तो हम मुंडा राज की स्थापना कर सकते हैं। अबुआ दुशम, अबुआ राय, अबुआ दुशम, अबुआ राय। आज यहाँ से हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद और उनकी निशानी साथ लेकर अपने राइज को हासिल करने की शपथ लेते हैं। आज हमने जो ये कदम उठाया है ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमें हमारा राज हासिल नहीं हो जाता। आज हमारे साथ हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, इसलिए हमारी जीत निश्चित है। हमारे हाथों में तीर धनुष बलोया हमारी आत्मरक्षा के लिए है। हमें सिर्फ हमारा राज चाहिए, वो राज जिसमें जीवन जिंदगी जंतु हो। जब तक मुंडाओं के चेहरे पे खुशी नहीं आती, जब तक एक भी मुंडा के पेट में अन्न का दाना नहीं जाएगा उनके पेट में, तब तक चलता रहेगा हमारा ये उल्लास। आगे चली दुनिया सारी।
दूषण के इस दर्दनाक कीचड़ में बिरसा कमल की भांति प्रकट हुआ। बिरसा का फैलाया हुआ विद्रोह उलगुलान बनकर अपनी चरम सीमा पर था। बिरसा की लोकप्रियता को देखकर अंग्रेजी सरकार घबरा गई। उसे पकड़ने के लिए तरह तरह के उपाय सोचे जाने लगे। तय हुआ कि किसी भी तरह बिरसा आंदोलन को कुचल दिया जाए। कैप्टन ने सूचना दी कि बिरसा कल 19 जनवरी को 8 बजे सेल रकाब पर सभा करने वाला है। हम यहाँ सेल रखा पर इसलिए जमा हुए हैं ताकि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। आज हम आधी दुनिया के मालिक चरका सरकार के सामने मुकाबले के लिए खड़े हैं। माना कि उनकी ताकत के सामने हमारी ताकत बहुत कम है, लेकिन कोई भी लड़ाई हार या जीत के लिए नहीं लड़ी जाती। माना कि उनकी बंदूकें हमारी कुचला तीरों से ज्यादा मारक है, लेकिन हमें डर कर पहले ही उनसे हार नहीं मान लेनी चाहिए। कोल विद्रोह में कोली नहीं जीते, संथाल विद्रोह में संथाली नहीं जीते। सारी जीत चरका सरकार की हुई, लेकिन कोली और संथाली हारे नहीं, क्योंकि वे अपने मकसद में कामयाब हुए। किसी भी रिकॉर्ड में हारने वालों का नाम नहीं लिखा जाता, हमेशा रिकॉर्ड में जो जीतते उन्हीं का नाम होता है। आज तक मुंडा लोगों के बारे में हमेशा चोर और बदमाश लिखा गया। क्यों? क्या चोर क्या बदमाश है? क्या अपने हक के लिए लड़ने वाले चोर होते हैं? चोर चरका सरकार को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मूव फॉरवर्ड, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मुंडा लोगों से बेगारी का पट्टा लिखाना बहुत आसान है, दिक्कुओं की बात न मानने पर उन्हें चोर या बदमाश लिखाना भी बहुत आसान है। लेकिन आज के बाद रिकॉर्ड में मुंडाओं के लिए चोर या बदमाश नहीं लिखा जाएगा। जब भी लिखा जाएगा तो उनके बारे में विद्रोह ही लिखा जाएगा, और यह भी हमारे लिए जीत होगी। लेकिन अबा, हमारे लिए ये जीत काफी नहीं होगी, हमें उन्हें यहाँ से खदेड़ कर मुंडा राज्य स्थापित करना ही होगा। हमने ये हथियार इसलिए नहीं उठाया है कि हमें हिंसा करना है, हमें लड़ाई लड़नी है मगर अहिंसा के साथ। हमने ये हथियार उठाया अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी आजादी के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। हथियार हम क्यों डाले? हथियार तुम डालो। पोजिशन, हम मुंडा लोग मरने से नहीं डरते, हम अपना राज लेकर रहेंगे। मुंडा राज, मुंडा राज। Bulan! 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 Bulan!
खेल चुके थे, लेकिन बिरसा अंग्रेजों के हाथ नहीं आ सका। दौड़ता रहा एक घायल साथी को लेकर, दौड़ता रहा। इधर स्वार्थी जमींदारों, साहूकारों और ठेकेदारों ने मुंडाओं से धन लूटने का सिलसिला कायम रखा। बिरसा को पकड़वाने के लिए नए उपाय बताए, धन की राशि बढ़ा दी गई। सभी आम खास को आदेश दिया जा रहा है कि सब लोग सरकारी कर्मचारियों की सभी तरह से सहायता करें। बिरसा या उसके साथी किसी को दिखाई दे तो फौरन नजदीक के थाने या किसी सिपाही को सूचित करें। बिरसा और उसके साथी को पकड़ाने वालों को 500 रुपया इनाम मिलेगा। आ गया हुजूर, आ गया। अरे लालच में आ गया हुजूर। अरे कौन आ गया? मैंने आपको कहा था ना कि घर का भेदी लंका ढाए, सो गया। अरे तेरी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अरे कौन आ गया? आइए हुजूर। मालिक कोई आए? मालिक आ गए। तो ये खबर सच्ची है? हाँ हुजूर बिल्कुल पक्की खबर है। बिरसा मुंडा को हमने साली और परमी के साथ में बकरी के जंगल में जाते हुए देखा है। वो वहीं कहीं छुपा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन कहीं दूसरे मुंडाओं की तरह तुम हमें गुमराह तो नहीं कर रहे हो? याद रखो, अगर ये खबर गलत हुई तो हुजूर गर्दन उतरवा देना। हुजूर सरकार ने जो बिरसा को पकड़वाने के लिए इनाम रखा है हुजूर, वो तो हम लोगों को मिलेगा ही ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तो तुम्हें मिलेगा ही, साथ में मैं भी तुम्हें इनाम दूंगा। हुजूर अगर बिरसा हितों को पता चल गया कि इनाम के लालच में हमने उनसे गद्दारी की है तो हमें वो जान से मार देंगे। हुजूर घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम है ना तुम्हारे साथ। बस एक बार हमारी पकड़ दिया जाए। इधर आ जाओ, जाकर तुम लोग उसे किसी जंगल में छोड़ो। जी हुजूर जाओ। हाँ हाँ जाओ। अब देखता हूँ बिरसा हमारी पकड़ से कितनी दूर रहता है। You go that side and you there. Go.
वो देखिए अरथम कम आउट यहाँ तो कोई नहीं है कोई नहीं है नहीं सेट हॉल में फाइन है फाइन द होल थिंग गाइस यही कहीं होगा पक्की खबर है सुबह से लेकर शाम हो गया ऐसा मुंडा हमको अभी तक नहीं मिला हुजूर ये समाचार सही है 500 रुपए लेकर मुंडाओं ने ये खबर दी थी हुजूर बिरसा मुंडा यही कहीं छुपा होगा फिर से हम लोग ढूंढते हैं अरे नहीं हुजूर नहीं योर एब्सोल्यूटली राइट सर लेट्स मूव कम ऑन सुनारा हिम्मत मत करो सुनारा अब आप लोग हमको छोड़ के चले जाओ अब आप लोग जाओ आप लोग मुझे छोड़ के चले जाओ अब मैं नहीं बचूंगा मैं नहीं बचूंगा मैं नहीं बचूंगा बाबा अब आप लोग मुझे छोड़ के चले जाओ अब आप लोग मुझे मुझे चले जाओ अब उनसे ये सहा नहीं जाता सुनारा मर जाएगा पुलिस वाले उसके पीछे भाग रहे हैं अब हमसे ये सहा नहीं जाता नहीं सहा जाता नहीं सहा जाता मेरी बात मान लो बाबा मेरी बात जंगल जंगल भटक भटक कर हम लोग थक चुके हैं बाबा हाँ बाबा सुनारा तो भूल गया तूने नदी किनारे मुझे एक गाना सुनाया था और बाद में तूने मुझे ये भी कहा था कि गाना सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों आपस में भाई भाई होते हैं तो फिर एक भाई दूसरे भाई को मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकता है सुन रहा मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा सुन रहा आबा बोले सारा ये लगता है यहाँ दरोगा पहुंच गया आगो आगो यहाँ से चलो इसकी हालत बहुत खराब सुनो सुनो तुम लोग एक काम करो इसको वैश्य के पास लेकर जाओ जाओ तुम लोग जाओ You fool, you lazy person. जल्दी करो नाइट से मॉर्निंग हो गया अभी तक उस बेटा मुझे पता नहीं चलता है हमको ऐसा लगता है कि उन लोगों ने हमको बेवकूफ बनाया है तुम क्या बोल रहे थे मैंने अपनी आंखों से बिरसा मुंडा को इसी जंगल में आते हुए देखा था यही कहीं बिरसा छुपा होगा हुजूर समझ में नहीं आता बेटा को आसमान निकल गया कि जमीन खा गई सुबह से लेकर शाम तक हो गया बेटा दिखता ही नहीं हमने बिरसा मुंडा को अपनी आंखों से उसी जंगल में आते हुए देखा था मगर मगर पता नहीं अब कहां चला गया अच्छा फॉलो मी भैया पता नहीं सुनारा का क्या हुआ होगा गांव से कुछ लोग आने वाले थे
वो भी नहीं है। तुम दोनों को भी भूख लग गई हो। जरूर अपना डेरा यही डाला है हुजूर। ये क्या क्या करें जी? आप क्यों जुड़े? आप जुड़ाने से जुड़ा उठा। अब भूखो क्या करती सारी? मैं भूख के आगे हार गई, हार गई मैं भूख के आगे। खाना की भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं विद्रोह मत करो। मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा, कुछ नहीं होगा मुझे। नहीं अबा, मौत तो भी नहीं जाए। तुम मेरे हवा को नहीं ले जा सकते। तुम चिंता मत करो, मैं लौट कर आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं लौट कर आऊंगा। क्रांतिकारियों का व्यक्तित्व किस माटी से निर्मित होता है, इसे क्या कोई समझ सकता है? अंग्रेजों के अत्याचार के पृष्ठभूमि और स्वाधीनता की न बुझने वाली प्यास ने एक बकरी चराने वाले जिंदा युवक को कौन सी ऐसी शक्ति प्रदान कर दी थी ऊपर वाले ने? What's the situation in the city? The situation is totally out of रिपोर्ट के मुताबिक अगर बिरसा को छोड़ा गया तो रांची और चाईबासा में दंगे होने की संभावना है। मुंडा लोग अभी भी बिरसा की बात पे अड़े हुए, वो बिरसा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ाई में उतरने को तैयार है। मैं तो कहता हूँ सर, सरकार ने अपने आप को बारूद के ढेर पर बिठा रखा है। What are you talking about? Nonsense. जिस ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूरज नहीं उगता उसको इन नंगे फोके मुंडाओं से खतरा है। Sir, try to understand. The situation is really serious and out of control. वो आदिवासी लोग बिरसा की बात पर अभी भी वैसे ही अड़े हुए हैं। वो आदिवासी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं जानते। He is a very dangerous man. तब तो बिरसा मुंडा को लोगों की नजरों से गिराने के लिए उसे पागल करा दे दो। But this is declared him mad. But this is impossible, sir. Oh, come on. ये मत भूलो
कि हमारी सरकार इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने की ताकत रखती है। तुम सरकारी डॉक्टर रोजर्स को मैसेज भेजकर उसे बुला लो और कहो कि बिरसा मुंडा का चेकअप करके जेल में उसे मैड करार दे दे। Yes, that is a good idea. Bilsa, jail me. Pagal. Go in. Under jail. मुंडा बाप का नाम क्या है? सोगना मुंडा। कहाँ रहते हो? चाल का। घर में क्या है तुम्हारा? बेस्ता है। आई एम सॉरी सर, मैं आपके कहे मुताबिक बिरसा को पागल डिक्लेयर नहीं कर सकता। What? What do you say? क्योंकि बिरसा पागल नहीं है, मैंने खुद उससे बातें की हैं। वो मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है। He is not mad. फिर वो मुंडा को सरकार के खिलाफ क्यों भड़काता है? क्या उसे मालूम नहीं कि मुंडा पे कितनी मुसीबत आएगी? आप और मैं मुंडा नहीं है सर, ना ही हम उनकी दुख तकलीफों को ठीक से समझ सकते हैं। बिरसा अच्छी तरह से जानता है कि मुंडाओं पर ऐसे क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं। लेकिन कानून मुंडा और दूसरे लोगों में नहीं करता है। वो सब तो कहने की बातें हैं सर, हकीकत वो नहीं है। मुंडा लोग ठीक से ना तो अंग्रेजी या हिंदी बल्कि बंगला तक नहीं जानते, ना समझते हैं। What are you talking? क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ सर, फिर भी मैं बिरसा को अपराधी नहीं मानता। बिरसा ने आज अपने साथी जंगल वासियों के बीच आत्मविश्वास पैदा किया है। कल तक जो सर झुकाकर जीते थे, आज सर उठाकर जीते हैं। उन्हें मौत का डर नहीं। तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि तुम बिरसा मुंडा को पागल होने का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहते? माफ कीजिए सर, जब वो पागल नहीं है तो मैं पागल का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इसका मतलब है बिरसा मुंडा के साथ एक आम अपराधी की तरह ही विचार करना होगा। ये सब तो आपके सोचने की बात है सर, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को बुला लें जो मुंडारी जानता हो, जो मुंडाओं को जानवर न समझे और बिरसा का अच्छी तरह से समझ सके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसे बिरसा मुंडा से बहुत हमदर्दी है, इसे इसका इनाम देना ही होगा। लगी ना चोट? जितनी चोट आपको लगती है ना, उतनी ही चोट मुंडाओं को भी लगती है। जितना दर्द आपको होता है ना, उतना ही दर्द मुंडाओं को भी होता है। समझ में आई बात? नाउ बेटा, तुम जेलर पर हाथ उठाता है, ले जाओ इसे दो पेड़ियों में। अब पता चलेगा तुम्हें इस जेलर पर हाथ उठाया क्या मतलब होता है। पेड़िया ही पेड़िया। मारो इतना मारो कि इनकी जान जाए। यस डॉक्टर। अमूल्य इब्राहिम सर। ओके अमूल्य इब्राहिम, वेरी नाइस वेरी नाइस। आज तुम्हें यहाँ पर आया था। यू नो मुंडारी? यस सर, आई नो मुंडारी लैंग्वेज वेरी वेल, बट व्हाट सर? ये कि बेटा मुंडा का एक खैदी इधर आया है, क्या तुम
उसका स्थान क्या सकता है? जरूर सर, why not? I got my level. Very good, fabulous. Now come, take him nicely. Please take him. जैसे चिट्ठी करने में कहा है, वैसे ही करो. Please take him. आवाज की आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज की आवाज नहीं आ रही है. आवाज ना सुनो, मेरी बात मानोगे? अगर मैं मर गया तो मेरी शिनाख्त मत करना, वरना लोग बहुत सताएंगे, बहुत तकलीफ देंगे जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा.
पीर हृदय में रख भूल का संजीत खोदो मड़ुआ रोटी खाए खाए राज लागिन जान देली हे वीर सा याय गिर हृदय मेरा ख बोल का देखकर रीजन का लिखो सर हो हम खुद डिसाइड करेगा लिखना है तो लिखो इसका स्टमक सिकों कर चैम हो गया था उल्टी करते करते इसकी आंतरियां पतली हो गई थी बहुत कोशिश करने के बाद भी पॉइजन का सेक्शन नहीं मिला मृत्यु का कारण डेथ का रीजन हैजा हुजूर हैजा ये कैसा हैजा अरे है जाता है तो गांव के गांव उजड़ जाते हैं परिवार उजड़ जाते हैं पर ये कैसा है जा है इसका हिसाब मुझे कुछ समझ में नहीं आता मिलता जाता है और बाकी सब लोग बच जाते हैं मुझा जूता रे वीर सा तौब के सहारा दिली डहर तो बता रे वीर सा तौब के सहारा दिली डहर तो बता बड़ी बात होगी पर मिर्जा की माँ है इसका बाप है कम से कम इसकी लाश हमारा ड्यूटी सिखाएगा ख्याल रखो कि तुम लोग गुलाम हो और गुलाम बन कर रहना सीखो जितना कहा गया है उतना ही करो रात के अंधेरे में इसका लाश को जला जाओ ख्याल रखो और सुनो किसी को भी खानो खान इसका पता नहीं चलना चाहिए जून 1900 को बिरसा का करुणा में अंत हो गया जंगल में रो पड़ी मगर सरकार खुश थी सरकार समझ रही थी कि बिरसा के पिता के साथ ओल कुलान राख हो जाएगा पर भला ओल कुलान की आग कहीं बुझती है कभी बिरसा की मृत्यु हो सकती है नहीं कभी नहीं बिरसा और उनका उल गुलाम तो अमर है बिरसा आज भी जिंदा है उन जंगलों में उन मुंडाओं के लाल रक्त में उनके हृदय में अमर है वो अमर रहेंगे जय बिरसा